हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज आपका क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं बच्चों, इससे पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि यही आपका मेन फॉर्मूला होता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो। किसी भी क्वेश्चन को आप इस टर्म में सबसे पहले चेंज करेंगे और इसके लिए तीन फॉर्मूले वही रहेंगे जो पहले थे, ए वन अपॉन ए टू इक्वल नॉट बी वन अपॉन बी टू, क्या है यूनिक सॉल्यूशन। ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल नॉट, सी वन अपॉन सी टू आपका नो सॉल्यूशन होता है और ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू आपका मैनी सॉल्यूशन होता है। इस क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे ना, यहाँ से पढ़ेंगे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। कब निकालनी है के की वैल्यू, जब इक्वेशन एक यूनिक सॉल्यूशन हो। इट मीन्स केवल और केवल आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ए वन अपॉन ए टू इक्वल नॉट बी वन अपॉन बी टू की केवल। लुक नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल माइनस के 5। सबसे पहले इक्वेशन को आप इस टर्म में चेंज कर लेंगे और लगाकर और x माइनस के वाई इससे 2 का कर दीजिए ट्रांसपोर्ट इधर, माइनस 2 इक्वल 0 एंड नेक्स्ट 3x प्लस 2y माइनस 5 का ट्रांसपोर्ट इधर प्लस 5 इक्वल 0। एक्स से पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब हमेशा वन होता है। देन ए वन इक्वल 1, ए टू इक्वल 3, बी वन इक्वल माइनस का के नॉट के, वाई के पास माइनस के आपको दिखाई दे रहा है, बी वन इक्वल माइनस के और बी टू इक्वल प्लस के 2, सी वन इक्वल माइनस के 2, सी टू इक्वल प्लस के 5। आपसे वो कह रहा है कि ये सारी की सारी इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन है और के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देन आप फॉर्मूला लगाएंगे यूनिक सॉल्यूशन वाला ही, ए वन अपॉन ए टू इक्वल नॉट बी वन अपॉन बी टू। ए वन आपके पास है 1, ए टू आपके पास 3 इक्वल नॉट, बी वन है आपके पास माइनस का के और बी टू है 2। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 की मल्टीप्लाई माइनस के में करेंगे तो आपके सामने आएगा माइनस के 3k और यहाँ पर साइन इक्वल नॉट का ही लगेगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपके सामने आएगा 2 और k इक्वल नॉट 2 अपॉन 3 माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर के पास जाता है तो आपका आंसर आया k इक्वल नॉट माइनस 2 अपॉन 3। ध्यान दें इक्वल नॉट यहाँ से लेके यहाँ तक आया है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। 2x माइनस 3y इक्वल 1 और 2x के माइनस 3y माइनस 1 इक्वल 0 और के एक्स प्लस के 5y माइनस के 7 इक्वल 0। ए वन इक्वल 2, ए टू इक्वल के, बी वन इक्वल माइनस के 3, बी टू इक्वल प्लस के 5, सी वन इक्वल माइनस 1, सी टू इक्वल माइनस 7। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले पर यूनिक सॉल्यूशन। ए वन अपॉन ए टू
इक्वल नॉट बी वन अपॉन बी टू, ए वन आपके पास टू है और ए टू आपके पास के है, इक्वल नॉट बी वन आपके पास माइनस थ्री और बी टू आपके पास फाइव, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर आप आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर माइनस का थ्री के इक्वल नॉट और फाइव टू जा टेन एंड के इक्वल नॉट टेन अपॉन थ्री और माइनस आपके पास जाएगा न्यूमरेटर के पास, न्यूमरेटर के पास सॉरी यहाँ पर टू के नहीं है, टू एक्स है, यहाँ टू एक्स है। तो आपके सामने आगे के की वैल्यू माइनस टेन अपॉन थ्री।